नमस्कार साथियों, मैं राजबीर सिंह, प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय SC ST एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन, अपने साथी विकास पहलवान ट्रेजरर आज ऑफिस में आए। हम कल हमें सूचना मिली थी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से कि उनको जो सैलरी मिली है तो कुछ परसेंट काट के दी है, 2 महीने से तो सैलरी भी नहीं मिल रही, तो ये बड़ा दुख का विषय है। हमने उनको आश्वासन दिया था कि हम उसके लिए चिट्ठी लिखेंगे, तो आज ऑफिस आए हैं तो उनके लिए हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी है और कॉपी टू जो हमने वाइस चांसलर को, PVC को और मनीष सिसोदिया को मेल कर दी गई है। और हम लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कर्मचारी के साथ हमेशा खड़े हैं। किसी साथी की कोई भी समस्या हो यूनिवर्सिटी से जुड़ी तो आप तुरंत हमें चिट्ठी लिखें। हमारे ग्रुप बने हुए हैं, 2-2 ग्रुप बने हुए हैं SC ST के, उनमें आप चिट्ठी लिख सकते हैं, लिखित में मैसेज कर सकते हैं कि जो भी जिसकी समस्या हो हम उसके लिए हमेशा हमारी पूरी टीम तैयार है। और लॉकडाउन में भी अक्सर हम आते रहते हैं, पीछे कई प्रमोशन हुई तो उसमें भी हम रजिस्ट्रार से अथॉरिटी से मिलते रहे हैं और इसी तरीके से हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। आप विश्वास रखें और आपका हमारा विश्वास बना रहेगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। और हमारी जो मैन पावर है, हमारे कर्मचारी हैं, हम जानते हैं कि महामारी में कितने बुरे हालात हो चुके हैं और सैलरी ना मिलना, वो भी 12 कॉलेज हैं, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के 100% फंड देता है दिल्ली गवर्नमेंट उनको, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है। हम इस पे कार्रवाई करेंगे, चिट्ठी भेज दी है, मेल भेज दी है और लेटर भी हम भेज देंगे, तो आप किसी तरह की कोई परेशानी ना उठाएँ। आपका पूरा हक बनता है कि हमें आप कहें ठीक है आप कॉलेज नहीं आ पा रहे किस कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आने जाने में जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, कुछ कॉलेज हमारे कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं बुलाते हैं जबरन, अगर जो उनके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है वो, तो उसका हर्जाना प्रिंसिपल की सैलरी से ही काटा जाए। हम ये भी गुजारिश वाइस चांसलर साहब से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसके हिसाब से अपना दिल्ली विश्वविद्यालय बंद है, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है एक बार फिर से, आपकी कोई भी समस्या हो आप तुरंत हमें लिखें, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं।